नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट से इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा पावर सेवर बनाना बताऊंगा जो आपके घर की बिजली का बिल बिल्कुल आधा कर देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को फेक कहेंगे, इस वीडियो को गलत कहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कई ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपा रखी है पर आपको बताऊँगा ज़रूर। इसी को तो अंग्रेजी में सस्पेंस कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ बताऊँगा कि ये डिवाइस, ये जो हम पावर सेवर बना रहे हैं, ये वाकई में कितनी बिजली बचाता है, इसका आपको प्रूफ इस वीडियो में मिलेगा। अलग अलग कंडीशन में मैं इसको टेस्ट करूंगा और आपके सामने इसका प्रूफ रखूंगा कि कितनी बिजली ये बचाता है। तो अब हम पावर सेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो आपको बिल्कुल सुरक्षित रखे, आपको नुकसान ना पहुँचाए पावर सेवर, क्योंकि इसमें कैपेसिटर होता है जो आपको करंट दे सकता है, करंट लगा सकता है आपको ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें 400 वोल्ट तक एनर्जी सेव हो जाती है। आपने बाज़ार में देखा होगा बिकते हुए जो लाल डब्बे में आता है, वो भी कुछ इसी तरीके से बना होता है। तो इसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो हम पैरेलल लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है, ये रेजिस्टेंस उसको डिस्चार्ज कर देगा जब आप पावर सेवर को अपने वॉल सॉकेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार से हम इसमें पिन में सोल्डर कर लेंगे। ये 1 ohm रेजिस्टेंस है, 1 ohm रेजिस्टेंस है जो आपके कैपेसिटर की एनर्जी को डिस्चार्ज कर देगा। अब हम इसमें कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, वो कैपेसिटर भी हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पर हम उसके पहले हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा 1 ohm का रेजिस्टेंस है जो हमने पैरेलल लगा के रखा है, तो ये कितनी बिजली लेता है, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर रखा है न्यूट्रल और पॉजिटिव को। तो अब हम देखेंगे पावर मीटर में। आप जानते ही होंगे पावर मीटर क्या है, पावर मॉनिटर कहते हैं इसको। तो ये आपके जो भी, जिसमें आप ये मीटर जहाँ भी कनेक्ट, जिस जो भी अप्लायंस में कनेक्ट करोगे, तो उस अप्लायंस जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है तो ये मीटर आपको बता देता है। तो देखिए दोस्तों, हमने 1 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, पर ये 0.0 बता रहा है, मतलब ये इतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कि मीटर में रीडिंग ही नहीं आ रही है, या कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी कि बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 1 ohm रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। अब हम इसमें हमारा कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर में इसमें 3 microfarad के लगभग का कैपेसिटर कनेक्ट करूँगा। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर लेंगे इसको। ये डिवाइस आप बना रहे हो तो बहुत संभल के बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपको करंट लग सकता है, और जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आप देख लीजिए कि आप पहले आपने इस टाइप से कुछ बनाया है, या आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के हो तो ही आप इस प्रकार की कुछ चीज़ बनाइए, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से बनवा सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि ये डिवाइस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद क्या फ़र्क आया। आप क्या फ़र्क का मतलब ये है कि आप ये डिवाइस सही में लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना। तो इस प्रकार से हमारा डिवाइस कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे इस डिवाइस से आप कितनी बिजली बचा सकते हो। तो ये हमने कनेक्ट किया। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जैसे ही निकालोगे तो इसके पिन पे यदि आपने टच कर दिया तो आपको करंट लग सकता है, क्योंकि जो 1 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको डिस्चार्ज करने में कम से कम 3 से 4 सेकेंड लग जाएंगे। तो आपको तत्काल निकालने के बाद उसको दूर रख देना है, टच नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम इसमें एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे देखने के लिए कि ये पावर सेवर कितना काम करता है, और इस एक्सटेंशन बोर्ड को हम हमारे पावर मॉनिटर में लगा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो हमको दिख जाए। अब ये एक्सटेंशन बोर्ड भी 1 watt की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1.13 watt की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो आप देख सकते हो। और अभी कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब 1.10 से लगा के 1.3 तक ये एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि 100 वाट कितना कंज्यूम करता है। वैसे तो 100 वाट ही करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमने 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया। मैं हर बार जितने भी इसमें पॉइंट कनेक्ट करूंगा तो हर बार मैं इसमें स्विच ऑफ और ऑन करके ही करूंगा। यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो उसमें छोटा सा भी स्पार्क यदि आ गया तो हमारा ये पावर मॉनिटर है ना, ये ख़राब हो जाएगा। एक ख़राब कर चुका हूँ मैं चाहता हूँ कि दूसरा मैं नहीं करूँ। तो हमने CFL कनेक्ट करी, CFL 15 वाट की है और हेवल्स की है, तो आप देख सकते हो जितना उसमें लिखा है उतने ही एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बाकी जो एनर्जी जो आप 1 watt का जो अंतर देख रहे हो वो बोर्ड के कारण आ रहा है, जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है वो ज़्यादा दे रहा है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर है जो आपको मैंने 2-3 दिन पहले कुछ
दिन पहले मैंने आपको बनाना बताया था, पावर सप्लाई है ये, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और इसमें मैंने लोड दिया है 12 वाट की जो एलईडी प्लेट है, आपने देखी होगी कई बार इसको, तो मैंने कनेक्ट किया है इसको, और ये 36 वाट 37 वाट तक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें हमने जो आईसी लगाई है वोल्टेज रेगुलेटर, ये अब ये भी पावर कंज्यूम करती है, भले ही आप इसका यूज़ करो या नहीं करो, यदि पावर से कनेक्टेड है तो वो कंज्यूम करेगी एनर्जी। और उसके बाद में ये है ड्रिल मशीन, तो मैं आपको ड्रिल मशीन बता रहा हूँ। तो ये ड्रिल मशीन हमने कनेक्ट की है, और ये ड्रिल मशीन पे लिखा है 500 वाट, लेकिन जब इसको मैंने चेक किया तो ये आपके सामने है रीडिंग कितनी आ रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक एक अप्लायंस, इसमें आपको क्या बोलूँ, एक एक पॉइंट को मैंने आपको अलग से कनेक्ट करके बता दिया। अब मैं इन सभी को एक साथ कनेक्ट करूँगा और हम इसमें पावर सेवर डिवाइस कनेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया, और हम देखेंगे कि पावर सेवर डिवाइस कनेक्ट करने के बाद हमने कितनी एनर्जी सेव कर ली है। तभी तो हमको पता लग पाएगा कि ये कितनी एनर्जी सेव करता है, क्योंकि बहुत से लोग दावा कर देते हैं कि आपके बिजली का बिल आधा हो गया, तो देखते हैं। तो इसमें मैंने 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया है और एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है जो 12 वोल्ट आउटपुट निकालता है, 2 एम्पियर का है। और देखिए, और ये हमारा पावर सेवर, इसको भी ऑफ करके लगाना है। यदि इसको आपने ऑन करके लगाया, मतलब बोर्ड का स्विच ऑन करके लगाया, तो आपका ये पावर मीटर तो गया। तो आप देखिए अभी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 149 वॉट। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और अब हम देखते हैं 149 वॉट अभी कंज्यूम हो रहा था, और उसको हटाने के बाद भी 149 ही कंज्यूम हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो दोनों प्रकार के लोड है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव लोड और इंडक्शन टाइप लोड, दोनों ही लोड है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और एक तरफ बल्ब लगा है। और ये हमारा CFL है, अब हमने CFL भी साथ में कनेक्ट कर दिए, और आप देख सकते हो अभी पावर कंज्यूम हो रहा है 164 वॉट। और अब हम इसमें हमारा पावर सेवर कनेक्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तो अंतर आना ही चाहिए। अब हम देखते हैं 164 जो वॉट था वो अभी भी देखा जाए तो 164 ही है, पर थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अब वो बात अलग है कि पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात अलग है, हमको उस पर नहीं जाना। पावर फैक्टर का काम इंडस्ट्रियों में होता है, जहाँ पर उनको जो बिजली जो सप्लाई करती कंपनी वो कहती है कि आपको पावर सेवर इम्प्रूव करना है, नहीं तो हम आप पे पेनल्टी लगा देंगे। तो फिर वो पावर सेवर इम्प्रूव करने के लिए इस प्रकार से कैपेसिटर से पावर सेवर बनाते हैं, वो बात अलग है, मैं वो बात नहीं ले रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे इसमें कितनी एनर्जी सेव हो रही है, हमको उससे मतलब नहीं पावर फैक्टर से, क्योंकि हमको थोड़ी कोई बोल रहा है कि पावर सेक्टर इम्प्रूव करो, हमको तो हमारी एनर्जी सेव करना है और बिजली का बिल कम करना। तो ये वाकई में काम करता है कि नहीं करता। अब हमने इसमें ड्रिल मशीन कनेक्ट कर ली, और आप देखिए ड्रिल मशीन कितना पावर कंज्यूम कर रही है। इसमें ड्रिल मशीन के साथ में ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट है और CFL भी कनेक्ट है, तो 310 वॉट कंज्यूम हो रहा है। अब आप इसमें देख सकते हो कितने प्रकार के लोड कनेक्टेड हैं, अलग अलग प्रकार के कनेक्टेड है लोड, है ना। इसमें हम पावर सेवर लगाएंगे, हमारे घर में भी ऐसे अलग अलग प्रकार के कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम इसमें पावर सेवर कनेक्ट करके देखते हैं कि हमने कितनी वॉट एनर्जी बचा ली है। तो अब हमने कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो घुमा फिरा के बात वहीं आ गई है, 310 पर ही है। तो पावर सेवर हमने कनेक्ट किया तब भी उतना ही खर्चा हो रहा है, और जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब भी उतना ही खर्चा हो रहा है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो पावर सेवर कनेक्ट रहने दो, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पावर सेवर आपके कई अप्लायंसेस को ख़राब कर सकता है एक सेकेंड के अंदर, क्योंकि इसमें जब आप कनेक्ट करते हो, यदि आपने स्विच ऑन रखा और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है, तो स्पार्किंग से आपके कई अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि कंप्यूटर, आप समझ सकते हो। और ये जो पावर सेवर है ये खुद एनर्जी कंज्यूम करता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि वाकई में आपके घर के बिजली का बिल को आधा कर देगा क्या, आपका कमेंट का इंतज़ार है मुझे, आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने आप अपनी राय बताइए कि सही में ये कर रहा है क्या। अब हम देखिए, कई लोग आपको ये भी बताते हैं 3-4 पावर बैंक बना के आप कनेक्ट कर दो, क्योंकि 20-20 रुपए के तो बन रहे, तो हमने 3-4 पावर बैंक कनेक्ट कर दिए हैं।
और आप देखिए इनका पावर कंज्यूम कितना है। तो ये 2 वाट का कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें से 1 वाट तो आप माइनस कर लो क्योंकि वो एक्सटेंशन बोर्ड का है। तो ये खुद जब पावर कंज्यूम कर रहे हैं, चलो ठीक है इनने पावर कंज्यूम किया, पर हमारा जो पावर है वो तो बचाना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो वैसा देखा जाए तो पूरे शहर में 1,000 रुपये में इन लोगों ने बेच के कोटा पूरा कर लिया है, और अब बारी है गाँव में चूना लगाने की। तो आप समझ जाइए गाँव वालों कि आपके यहाँ भी लाल डब्बा बेच के चले जाएंगे और आपको चूना लगा देंगे। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी ये वीडियो सब तक पहुँच पाएगा। और आप और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई चूना लगा ही नहीं सकता है, ये तो मेरा दावा है। दोस्तों वीडियो पूरा होता है, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।